डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए कल का जो लाइव क्लास है वो 8:30 पर सुबह है, मॉर्निंग मतलब सुबह है, कल का क्लास है। पिछले क्लास में बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे क्योंकि कुछ चीजें स्पष्ट नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो 2-3 मिनट में आप लोगों का वक्त लूंगा। इसमें सारा चीज मैं बता दूंगा कि कल के क्लास में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ चूंकि इसका लिंक आपको YouTube पर नहीं मिलेगा, इसके लिए ये कहां कैसे मिलेगा, तो चलिए पहले तो आप समझ गए कि कल का क्लास है 11:01 को है, सुबह 8:30 है। अब आते हैं कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा। देखिए जब भी आप समय और काम को, मैंने पहले बोला था लस विधि से आप जानते भी होंगे और नहीं जानते हैं तो जानने का एक मौका मिलेगा। उसमें जो एक कार्य कुशलता होता है कि वो 60% कम है, वो 40% ज्यादा कार्य कुशल है, इसमें जिनकी अभी भी प्रॉब्लम है वहां कैसे कंसेप्ट को लगाया जाता है उस पर हम बातें करेंगे, उस पर हम सवालों को सॉल्व करेंगे। फिर है कि लसर से अगर 2-3 के कार्य का योग, मतलब 2 बंदे हैं 3 बंदे हैं अलग अलग इतने इतने दिनों में काम करते हैं, तो जो बड़ा सिंपल सा सवाल होता है एक साथ करेंगे तो कैसे, तो उसे कितने आसानी से हम कर सकते हैं। फिर है कि 2 आदमी मिलकर काम करते हैं कुछ दिनों में और एक अकेला इतना दिन में करता है तो दूसरा कितने दिन में करेगा। फिर आता है कि जब कोई काम छोड़कर चला जाता है, ये सारे में लस मेथड कैसे लगेंगे, मतलब लघुतम समावर्तक की मेथड, क्योंकि आपको, आप जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने लघुतम समावर्तक से हमने संख्या पद्धति के बहुत सारे सवाल किए थे। आप ये भी जानते हैं कि मैं इस विधि में क्या बता रहा हूं कि केवल 5 विधि को सीखकर आप संपूर्ण गणित को कैसे कर सकते हैं, तो यहां जब जानते हैं साथ साथ है कि लस कहां कभी नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि उसमें आपकी चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वहां पर जो है हम रेशियो मेथड को लगाते हैं, ये कौन सी सिचुएशन है। तो देखिए ये सारा चीज जो है हम कल आधे घंटे में 8:30 से 9 बजे के क्लास में करेंगे। अब है कि चूंकि ये लाइव क्लास का लिंक कहां मिलेगा, अब इस सवाल से पे आते हैं। तो देखिए अगर आपने मेरा ऐप को इंस्टॉल कर लिया है तो वो कहां पर मिलेगा उस ऐप में, उसे मैं बताऊंगा अभी। और अगर लिंक से इंस्टॉल नहीं किया है तो देखिए कि डिस्क्रिप्शन में लिंक का दिया हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो सीधा प्ले स्टोर में चले जाएंगे, वहां फिर इंस्टॉल का क्लिक करेंगे, ऐप आपके मोबाइल पे आ जाएगा। अब हम ये बताना आपको चाह रहे हैं कि जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, पिछली बार जो प्रॉब्लम हुआ था परसों, उसके लिए है कि चूंकि ये ऐप जो है काफी बड़ा है, ऐसे 4.5 KB का ही है, MB का ही है केवल, तो भी ये कहां मिलेगा आपको स्पष्ट रूप से दिखा दूं। जैसे ही आप इसको करेंगे तो देखेंगे कि जैसे ये ऐप खुलता है, तो ऐप खुलने के बाद यहां पे लाइव क्लास है, इसको क्लिक करना है, दिस इज द लाइव क्लास, इसको क्लिक करना है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ने के पहले 2 शब्द बोलता हूं। आप लोगों में से सबका एक बात रहा, हर वक्त बोले कि सर वीडियो तो देखो अब उसमें 400 के ऊपर वीडियो लग चुके, जो चीज चाहिए उस चीज की वीडियो है, सर अब स्टडी प्लान तो बताओ। जी हाँ, हर एग्जाम का, हर दिन का, कितना पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, इस तरह करके अगर प्लानिंग होता है तो मैं जानता हूं कि आपकी तैयारी बड़ा आसान हो जाता है। पढ़ाते तो बहुत कोई है लेकिन ये पर्टिकुलर टाइप में जो पढ़ाया जाता है जिसमें आप हर दिन इतना इतना पढ़ो, केवल 2 घंटा पढ़ो, लेकिन 2 घंटे के पढ़ाई में आप बहुत सामने आ जाते हो किसी भी जंग को लड़ने के लिए। तो यहां पर मैं ये अगले वीक से देना शुरू करूंगा, अब इस पे काम चालू है। तो चलिए जो मैं बात कर रहा था कि लाइव क्लास को पहले आपको क्लिक करना है। जैसे ही लाइव क्लास को आप क्लिक करेंगे, आप अपने ऐप में क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा दरवाजा, मतलब ये विंडो खुलेगा, सॉरी दरवाजा नहीं, विंडो खुलेगा। जैसे ही विंडो खुलेगा तुरंत जो है देखिएगा कि यहां एक क्लास रूटीन है, इस जगह को आपको क्लिक करना है, यहां पर क्लिक करना है, ये क्लास रूटीन लिखा हुआ है, यहां पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लास रूटीन पे क्लिक करेंगे तो यहां से ये एक और विंडो खुलेगा, ये विंडो है, देखिए इसमें लिखा हुआ है अगले 7 दिन में होने वाले क्लास,
ये अगले 7 दिन वाले होने वाले क्लास में यहां पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है बेसिक एलसीएम टू टाइम एंड वर्क, जैसे लघुतम समावर्तक निकालना सीखकर 4 चैप्टर के 50% सवाल को हल करना सीखे। तो देखिए यहां पे पहला दिन का क्या करना था वो मैंने डिस्कस किया है, दूसरा दिन क्या करना था, तीसरा दिन का देखिए जो क्लास जो पिछला क्लास हुआ था, देखिए यहां पे क्लास हो चुका है, क्लिक करके देख सकते हैं, वो वीडियो यहीं पे है। अब उस क्लास की पीडीएफ की है, ये पिछले क्लास की बोल रहा हूं जो लसस है संख्या पद्धति का, इसका पीडीएफ है। और उसके जो सवाल जो मैंने दिया हुआ था करने के लिए उसका देखिए यहां पर क्लिक करेंगे तो सारा सवाल मिलेगा, यहां पर क्लिक करेंगे तो उसका आंसर मिलेगा। तो ये सब को छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, ये सब को छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। बढ़ने के बाद आप यहां पर पहुंचेंगे, जैसे देखिए यहां लिखा ही हुआ है चौथा समय और काम पार्ट वन के सवालों को लघुतम समावर्तक पर आधारित है। ये लाइव क्लास देखिए 11/1/19 है, 8:30 बजे मॉर्निंग है। यहां पर आप देखेंगे यहां क्लिक करने का जगह है, क्लास शुरू होने के बोला गया 1 घंटा पहले, मतलब 7:30 बजे ये एक्टिवेट होगा, उसके पहले ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो नेचुरल यहां पे अभी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कल 7:30 बजे के बाद जैसे करेंगे यहां से सीधा सीधा आपको YouTube के लिंक में ले लिया जाएगा, जहां पर 8:30 बजे से क्लास शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि चीजों को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, यही आपको मैं बताना चाह रहा था। अब जिनको भी लगे कि इस तरह की क्लास करना जरूरी है तो मैं संपूर्ण रूप से आमंत्रण करता हूं, क्योंकि ये क्लास करने के बाद ही आपको यहीं पर फिर से जैसे यहां पे आप देख रहे थे यहां पे तुरंत 1 घंटे के अंदर में आ जाएगा उस क्लास की एंटायर पीडीएफ फाइल, फिर इसमें प्रैक्टिस सेट आएंगे इसके नीचे, फिर उसका आंसर किया आएगा। मतलब आप क्लास करते हैं तो कैसे करते हैं, वीडियो देख के अगर चले गए तो कभी वो काम का होता नहीं है, आपको वीडियो भी देखना है, वीडियो के साथ खुद कोशिश भी करना है और कोशिश के बाद आंसर भी मिलाना है, तो ये संपूर्ण रहता है। और लोग खाली सोचते हैं मैं इसको डाउनलोड कर लूं, अगर ऐप में है तो डाउनलोड करने की भी जरूरत क्या है, ऐसे दिया हुआ है आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करो, मैं बोलता हूं कि उस नेट को जलाओगे क्यों, क्या क्या है, क्योंकि आप जब इसमें करते हैं यूट्यूब में करते हैं तो ये निश्चित नहीं रहता है कि वो वीडियो आपको फिर से मिले, लेकिन इस तरह की अगर ऐप को रखते हैं तो आपको निश्चित रहता है, ये हर वक्त आपको वीडियो भी मिलेगा और कहां पे मिलेगा ये भी जगह चुकी निश्चित रहता है, इसके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो फिर आप सभी को मेरा स्वागत है, कल क्लास में जरूर आइए, और आने के बाद चलिए हम लोग मिलकर जिन चीजों में आपकी प्रॉब्लम होती है उन चीजों को तरीके से समझें। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके देन, कल क्लास में हम फिर मिलेंगे।